सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। ऐसा अक्सर होता नहीं है कि मैं किसी अनप्लान जगह पे चल जाऊँ, बट आज ऐसा हो गया कि मैं काठमांडू में एक बस स्टॉप पे ऐसे ही उतर गया और मुझे दिखा एक कमाल का स्तूपा, जहाँ पे मिलता है मुझे ये नेपाली ब्लॉगर जो कि बहुत ही अच्छा लड़का है, काफ़ी मेरा इन्जॉयमेंट करवाया है इसने। फिर मुझे मिली ये खूबसूरत सी लड़की जिसने मुझे बताया कि एक्चुअल में ये जगह कौन सी है और कुछ ये मज़ेदार चीज़ है। तो शुरू करते हैं गाइज। मैं उतर गया एक अनजाने से बस स्टॉप पे जिसका नाम था भक्तपुर, यहाँ पे काठमांडू में। तो बहुत ही मुझे अच्छा लगा यहाँ पे उतर के। फिर किसी ने बताया यहाँ पे एक बुद्धा स्तूपा है, तो मुझे क्यूरियोसिटी हुई कि उसको देखने जाना चाहिए। फिर मैं चले जाता हूँ उसके अंदर में गाइज, जहाँ मुझे पता चलता है ये एक होली प्लेस है बुद्ध लोगों के लिए। तो मैं चलता हूँ वहाँ पे देखने के लिए गाइज और आप लोगों को दिखाता हूँ। अंदर घुसते ही मेरी दोस्ती हो जाती है कुछ नेपाली ब्लॉगर्स से जो कि यहाँ पे ब्लॉगिंग करने के लिए आए होते हैं, जहाँ पे मुझे मिलता है ये लड़का कालो ब्लॉग। भाई भी आ चुका है और जस्ट रुके ओके मैले चाहिँ आज एउटा इन्डियन ब्लगर भेटे हैन। व्हाट इज योर नेम? नरेन्द्र पिल्ले। या नरेन्द्र पिल्ले, एकदम राम्रो ब्लगर हुनुहुन्छ हैन, अनि उहाँको त्यो बोल्ने शैली जुन एउटा ब्लगर। तो इन भाई साहब का नाम है कालो ब्लॉग, जो कि बहुत ही अच्छा लड़का था। और काफ़ी देर इन लोगों के साथ घूमने के बाद मैं निकल जाता हूँ ये कमाल के नज़ारे देखने के लिए। देखते देखते मेरी नज़र पड़ती है इन कमाल के नज़ारों के बीच में इस कबूतर खाने में। कबूतर खाना मुझे बहुत ही खूबसूरत लगता है गाइस। और उसके बाद मुझे दिखता है ये गोल सी चीज़, पता नहीं ये क्या है, बट घुमाने में इसे बहुत ही मज़ा आता है। सभी लोग इसको घुमा रहे थे तो मैंने भी सोचा इसको घुमा लूँ थोड़ा सा, एक और घुमा लूँ और एक और घुमा लूँ गाइस। तो घुमाते घुमाते मैं निकल पड़ता हूँ आगे की ओर और मेरी नज़र पड़ती है ये वाले लोकेशन पे गाइस। नहीं, उस लड़की पे नहीं, कुछ और लोकेशन है गाइस, वो दिखाता हूँ मैं आपको। इसके अंदर घुसते हैं, देख कर देखो, आई डोंट नो, ऊपर जा रहे हैं सब लोग टूरिस्ट, हम भी चलते हैं और ऊपर से ही देखते हैं। टिकट्स तो लगी नहीं। ओके भाई साहब, तो ऐसी है जगह, देख लो यह खूबसूरती। ये रही वो प्लेस, यहाँ से स्तूपा बहुत ही कमाल का दिख रहा था गाइज, मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ के व्यूज़। मैंने कुछ अच्छे अच्छे शॉट्स लिया आप लोगों के लिए। और यहाँ पे मुझे एक और बात देखने को मिली, यहाँ पे फॉरेन टूरिस्ट का काफ़ी ज़्यादा आवागमन है गाइज, और ये बहुत ही अच्छी प्लेस लगी मुझे। चलो और ऊपर, तो इसके ऊपर भी प्लेस है गाइज, मतलब ये फर्स्ट फ्लोर, इसके ऊपर और एक है सेकेंड फ्लोर, वो भी दिखाते हैं आपको। देख लो, ये है कुछ जगह ऐसी है, नेपाल देश का जो ये जो कार्विंग है इसको जिस टाइप का, ये बहुत ही खूबसूरत लगता है मुझे। हर तरफ आपको इस तरीके की मंदिर और टेंपल्स देखने को मिल जाएगा, ज़्यादातर टेंपल्स के ऊपर ही होता है। और अच्छा है यहाँ पे थोड़े मतलब क्लास लोग हैं, तो आप लोग आप फ्री में बना सकते हो कैमरे लेके। हेलो ब्रो, नेपाली तो ऐसा है ये, कुछ देख लो यार इसकी जो जो आप ये जो बनावट देख रहे हैं ना, कार्विंग बहुत ही खूबसूरत है ये। और है बस अभी तो बंद है ये, और देखो काफ़ी दिन से उसको साफ भी नहीं किया लगता, लेकिन ऐसा कुछ है सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए और लाइक दैट अंदर। तो बहुत देर घूमने के बाद कुछ फोटोग्राफ देखने के बाद मेरी मुलाकात होती है इन लड़कियों से, जो कि मुझे बताती है बहुत अच्छी अच्छी बातें यहाँ के बारे में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बुद्धिस्ट पीपल यहाँ आते हैं और वर्शिप करते हैं, बत्ती दियो जलाते हैं। अच्छा, वर्शिप करते हैं और बत्ती जलाते हैं। ओके, तो उससे क्या होता है? पूजा, लाइक पूजा। अच्छा, बुद्धिस्ट लोगों का। ओके ओके, तो यहाँ पे ज्यादा बुद्धिस्ट नहीं, बाहर के लोग ही दिखते हैं। ऑल पीपल कैम हियर। ओके ओके, तो ये मतलब कौन सी जगह पे, जगह का नाम क्या है? सॉरी, इट्स बौद्धा। प्लेस का नाम क्या है, जगह का? बस स्टेशन बौद्ध ही बोलेंगे तो बस स्टेशन वाला आने देगा। थोड़ा सा यहाँ वहाँ घूमने के बाद मैं पहुँच जाता हूँ गाइस मार्केट के लिए। मुझे थोड़ी सी मार्केटिंग करना था, काफ़ी सारी चीज़ें खरीदा था, जिसमें से एक है थोड़े से गर्म कपड़े और एक दो टोपी, तो वो लेने के लिए मैं पहुंच जाता हूँ मार्केट में गाइस। और यहाँ पे देखते मिलता है मुझे काफ़ी सारी चीज़ें सस्ते में। ये अच्छा, नेपाली पैसा? नेपाली पैसा। अच्छा अच्छा, ठीक है। और ये नहीं, लेकिन नाइकी का है क्या? नाइकी का नहीं है ना, कॉपी है। अच्छा अच्छा, और सर ये क्या है? जैकेट। अच्छा, लेडीज़ का?
गर्ल्स। तो ऐसा कुछ है भैया इनका शॉप, गर्मी के लेना था हमको, लेकिन ये थोड़ा महंगा बोल रहे हैं। 2000 मतलब अपना 1200 रुपये आईसी हो जाएगा इंडियन कैश में, तो इतना महंगा तो तुम्हारा भाई अफोर्ड नहीं करता है अभी। तुम लोग सब्सक्राइब कर लो तो जल्दी से अफोर्ड कर लेगा आई थिंक। ये क्या है, ये तो गड़बड़ चीज़ है। चलो इंडियन कैश में नहीं मिलेगा कुछ, 400 रुपये इंडियन कैश का कुछ है, कुछ भी नहीं है। 400 रुपये इंडियन कैश मतलब 700 हो गया ना, 700 का कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसा है भाई साहब, और मार्केट देखते हैं अंदर से, मैं पहले भी आ चुका हूँ यहाँ पे। तो थोड़ा देर यहाँ वहाँ भटकने के बाद मुझे दिखता है नेपाल का ये प्रसिद्ध गेम जिसमें पैसे लगाओ और पैसे कमाओ। यूजुअली ऐसे गेम मैं खेलता नहीं हूँ, बट आज पता नहीं थोड़ी सी इच्छा हो गई थी ये फंस गया सी है खेलने की, तो मैंने खेल लिया। और 20 रुपये हारने के बाद मैं निकल जाता हूँ वापस मार्केट के लिए। मार्केट पहुंचने के बाद थोड़ी देर इंतजार करके बस यहाँ वहाँ घूमता हूँ और बनाता हूँ कुछ नए दोस्त इन लोगों के साथ थोड़ा घूम के, और फिर मैं निकल पड़ता हूँ अपने घर के लिए। गाइस तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो, आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।